हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्नर टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट, वो शो जहां हम आपको रोज देते हैं सोशल मीडिया की खुराक। यहां हम करते हैं ट्रेंड्स की बात और दिखाते हैं लोगों की खुराफात। तो फटाक से करते हैं शो की शुरुआत और बताते हैं आज के शो में क्या है खास। इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। ट्विटर की किस बात से खफा हो गए राहुल गांधी? इस लेटेस्ट ट्रेंड को देख के कंफ्यूजी आ गई नई पीढ़ी। नागिन और मुर्गा के बाद आ गया मगरमच्छ डांस। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हर सिचुएशन पर मौज लेने वाले कंटेंट क्रिएटर की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बात ट्विटर ट्रेंड्स की करें तो सबसे ऊपर रहे खान सर, वही खान सर जिनके वीडियोज खूब वायरल होते रहते हैं। इनके वीडियोज की तरह ट्रेंड भी एकदम टॉप पर रहा। इस बार उनके वीडियो पर खबर नहीं बनी बल्कि वो खुद खबर बन गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि RRB NTPC मामले पर हुई हिंसा में पुलिस ने खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की है। खान सर के अलावा 5 अन्य कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज हुआ है। हर साल 26 जनवरी के आसपास ट्विटर पर मार्टिन नीमोलर की पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए शेयर करने वाले चाहें तो फिर वे आए कोचिंग वालों के लिए वाली लाइन जोड़ सकते हैं उस कविता में। केस दर्ज हुआ तो ट्विटर पर स्टूडेंट्स खान सर का समर्थन करने लगे। इस हैशटैग पर ट्वीट्स की एकदम बाढ़ आ गई। छात्रों ने ट्वीट करके खान सर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की। खान सर के साथ साथ स्टूडेंट प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स विद टीचर्स भी ट्रेंड में रहे। इनकी वजह भी RRB NTPC विवाद बना। इन सबके अलावा श्वेता तिवारी का नाम भी ट्रेंड में रहा। इसकी वजह उनका एक वीडियो बना जिसमें वो ये कहते नजर आ रही हैं कि मेरे अंतःवस्त्र का साइज तो भगवान ले रहे हैं। इस पर लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया और उन्हें जम के सुनाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो कि ऐसे तमाम मामलों में आपत्ति जताने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं क्योंकि मामला MP का था। बाकी पूरे दिन में टाटा ग्रुप और एयर इंडिया हैशटैग भी चले। दरअसल आज से एयर इंडिया आधिकारिक रूप से टाटा ग्रुप की हो गई है, तो इस पर भी लोगों ने खूब बात की। सोशल मीडिया पर आए दिन नए नए किस्म के ट्रेंड चलते रहते हैं। कभी वो पैर घसीट के डांस करने वाला ट्रेंड, तो कभी हर सिंगल बंदे को दर्द देता है जो वी मेट ऑन ट्विटर टाइप के ट्रेंड। एक नए दिन के साथ सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड आ गया है। लोगों के सिर में मैं झुकेगा नहीं वाले ट्रेंड का बहुत उतरा ही नहीं था सबसे कि अब इस नए ट्रेंड पर जनता एकदम ट्वीट की जा रही है, पोस्ट की जा रही है। ट्रेंड कुछ यूं है कि लोगों को बिना अपनी उम्र बताए अपने दौर की ऐसी तस्वीर शेयर करनी होती है या बात शेयर करनी होती है जिसे आज की जनरेशन नहीं पहचान सकती। अब जब से ट्रेंड शुरू हुआ तो किसी ने VCR की फोटो शेयर की, किसी ने एंटीना का, किसी ने अंतर्देशीय पत्र की फोटो से आज के बच्चों को कन्फ्यूज कर दिया। वैसे बात सही भी है, आज की 4G और जूम वाली जनता को क्या पता कि एंटीना घुमाकर सिग्नल पकड़ाने में कितनी मेहनत लगती थी। वैसे इससे ज्यादा खतरनाक काम तो TV के सामने बैठे लोगों से कोऑर्डिनेशन बैठाना होता था। आप छत पे होते थे और नीचे पूछते थे, मम्मी आया क्या, दिख रहा है क्या। अब वैसे भी आप सोचिए कि ट्यूबलेस टायर वाली साइकिल चलाने वाले बच्चों को क्या ही पता होगा कि कोई उस दौर का भी है जब टायर में हवा भरवाने के बाद थूक लगाकर वाल्व चेक करना पड़ता था। सोशल मीडिया का टाइम है, अब तो उसे टायर थूक जिहाद कह के वायरल कर देते हैं ऐसे वीडियोज को। खैर, अगर आप भी कोई ऐसी चीज या फिर यादों के बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पुलिस के जवानों में केवल उतना ही टैलेंट नहीं होता जितना कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में दिखाया जाता है, वो इससे भी कहीं ज्यादा टैलेंट की खान होते हैं। खान सर वाली खान नहीं, खान खदान वाली खान। खैर, बात खूब देखे जा रहे एक वीडियो की। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान का वीडियो एकदम गर्दा मचा रहा है। इस वीडियो में वो TV रियलिटी शो हुनरबाज में बढ़िया मस्त रैप करते हुए नजर आ रहे हैं। वो वाला नहीं जो थारा भाई करता है, थोड़ा हटके। इस जवान का नाम जीवन कुमार है। जीवन का रैप देख के शो के जज मिथुन, परिणीति चोपड़ा और करण जौहर एकदम सन रह जाते हैं। एपिसोड वायरल होते ही जीवन सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। लोग उनके टैलेंट की दाद दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलवामा पुलिस ने भी इसको अपने अकाउंट से शेयर किया है। बाकी एक बार फिर वही बात, वीडियो हम कॉपीराइट के चलते नहीं दिखा पाएंगे। हमारी तपस्या में कोई कमी नहीं है, कॉपीराइट के नियम ही ऐसे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। आज सोशल मीडिया पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर खूब चर्चा रही। दरअसल पश्चिमी UP में पार्टी के पैठ बनाने और वोट पाने के लिए अमित शाह ने कई जाट नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि जाट और BJP का रिश्ता 650 साल पुराना है। इतना पुराना रिश्ता सुनकर लोग भी एकदम से चौंक से गए। वैसे उन्होंने कहा यह था कि जाटों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हम भी लड़ रहे हैं। जाट भी किसानों के बारे में सोचते हैं और BJP भी जाट देश की सुरक्षा के लिए सोचते हैं और BJP भी। हेलो IT सेल, पूरा बयान बता दिया है तो कहना पड़ता है, हैशटैग चल जाते हैं आजकल। तो बस 650 साल, ये पकड़कर लोगों ने अमित शाह के बयान पर बातें मनानी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा कि अगर 650 साल पुराना रिश्ता है तो शायद BJP की स्थापना भी 1378 में हुई होगी। इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने कहा कि असली जाट तो रजाई में बैठे हैं, फिर गृह मंत्री से कौन मिल रहा है।
इस मुलाकात की एक तस्वीर पर लोगों ने मजे लिए। इस तस्वीर में जाट नेता अमित शाह को उल्टा हल पकड़ा रहे हैं। इसे लेकर फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा कि ये कौन से किसान हैं जो हल भी उल्टा पकड़ा कर सम्मानित कर रहे हैं, हल तो पकड़ना सीखो पहले। करते हैं बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की। नाना जैसा कि उनके विरोधी कहते रहते हैं, वो छुट्टी पर फिर से नहीं गए हैं और ना ही उनके साथ फोटो में दिख रहे किसी और नेता ने पार्टी ही छोड़ दी है, ऐसा भी खूब हो रहा है। इस बार एकदम अलग मामला है। राहुल गांधी के जीवन से चिंता कम होने का नाम ही नहीं ले रही है पार्टी के वोटरों की तरह। इनके फॉलोअर भी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। इस परेशानी पर बात करने के लिए राहुल गांधी ने ट्विटर को पत्र लिखकर शिकायत की। ट्विटर के लिए ये फैक्ट ही आयरनी है, लोग ट्वीट करने के बजाय चिट्ठी लिख रहे हैं। बताओ क्या मतलब ट्विटर का। खैर, इस शिकायत में राहुल गांधी ने कहा कि उनके फॉलोअर कम हो रहे हैं और पीएम मोदी के बढ़ रहे हैं। बस इस बात को लेकर लोगों ने फिर से कारस्तानी शुरू कर दिया। कि यूजर ने लिखा कि इस हिसाब से तो चुनाव हारने पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखेंगे कि रैली करने के बाद भी मुझे वोट क्यों नहीं मिल रहे हैं। दूसरे यूजर ने लिखा कि फॉलोअर घटने से हर कोई परेशान है, क्या आम और क्या खास। वहीं एक अन्य यूजर ने राहुल गांधी को सलाह दे डाली। उन्होंने लिखा कि राहुल जी समर्थन जमीन पर बढ़ाइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इस शो के बाद रवि भी, हमारे प्रोड्यूसर भी, अपनी क्रश को आधिकारिक चिट्ठी लिखकर शिकायत करेंगे कि उसकी फोटो पर लगातार लव रिएक्ट करने के बाद भी बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। अब बात एक नए डांस स्टाइल की। इंडियन वेडिंग में आपने नागिन, बकरा, मुर्गा, बांस, तौलिया, रुमाल, कमर घसीट, जींस, लोथार, शेरवानी फाड़ डांस देखे ही होंगे। उसके कई वीडियो भी वायरल होते रहते होंगे, आपने देख रखे हैं। लेकिन अब डांस का एक नया स्टाइल आया है जिसका नाम है मगरमच्छ डांस। इसका नाम मगरमच्छ खुद सोशल मीडिया पर लोगों ने निकाला है। दरअसल एक वीडियो खूब चल रहा है। वीडियो एक इवेंट का है, सरकारी इवेंट नहीं है। सरकार पर भले आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ इवेंट कराती है, लेकिन सारे इवेंट सरकार ही नहीं कराती है। ऐसे इवेंट जीवी टाइप स्टूडियो टाइप मत पालिए। हाँ, तो इवेंट में सपना चौधरी का हिट गाना आख्यां का यो काजल बज रहा है। इसमें स्टेज पर कई लोग डांस कर रहे हैं और इन्हीं में से एक अंकल भी हैं। गाने में अंकल ने एकदम दम उखाड़ा डांस किया है, धमाकेदार डांस करते हुए अचानक से वो गिरते हैं और फिर लेटे लेटे ही मगरमच्छ की तरह चलने लग जाते हैं। इस अंदाज को देख के लोगों ने इसे मगरमच्छ डांस कह दिया है। एक बंदे ने लिखा कि दबंग 4 में सलमान खान इसे कॉपी करते हुए नजर आएंगे। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ये तो एकदम शेयर मार्केट की तरह गिर गया। वैसे डांस मस्त है, गाना फिर से एक बार कॉपीराइट कारणों से आप मन ही मन बजा लीजिए और वीडियो यहाँ पे देख लीजिए। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और आज हम जिन कंटेंट क्रिएटर की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है आकाश सागर। आकाश की खासियत यह है कि उनके पास हर सिचुएशन पर मजेदार वीडियो का आइडिया होता है। अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी के मास्क वाला उनका एक वीडियो तो खूब चला था कुछ समय पहले, मैं कुछ साल पहले बोल रहा था, हाँ मान लीजिए कुछ साल पहले ही। उसके अलावा भी उनके वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पे और इंस्टाग्राम रील्स पर काफी वायरल होते रहते हैं। आकाश के मजेदार वीडियोज की वजह से उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। इंस्टाग्राम पे आकाश करीब 6 लाख फॉलोअर्स हैं, तो वहीं यूट्यूब पे उनके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप भी हर टॉपिक पर ऐसे यूनिक कंटेंट देखना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जाके देख सकते हैं। अब जाते जाते एक वीडियो जो एकदम दिल बाग बाग कर देगा। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला कुछ बच्चों के साथ झंडा फहरा रही है। उस दौरान सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। सबसे छोटी बच्ची के एक्सप्रेशंस ने तो हर किसी का दिल जीत लिया है। वीडियो गणतंत्र दिवस का बताया जा रहा है। असल में कब का है, किसने बनाया, ये हमें पता नहीं है, लेकिन पता चलते ही आपको बताएंगे। ट्विटर पे इसको आदर्श हेगड़े नाम की यूजर ने डाला, जिसको देख के लोग भावुक हो गए हैं। वीडियो काफी देखा जा रहा है। एक यूजर ने यह भी लिखा कि ऐसे ही लोग भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ हैं। अभी के लिए वीडियो देखिए, आज के शो में इतना ही। हम चले, टाटा। भारत माला के